So in this video, good morning all of you. In this video we will be discussing models in detail, है ना. थोड़ा और ज़्यादा हम डिटेल में बहुत एग्जाम्पल्स के साथ में मॉडल्स करेंगे सो दैट द टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू. फर्स्ट वी स्टार्ट विद कैन. कैन जो हमारा मॉडल है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करता है. तो हम अलग अलग कहाँ कहाँ कौन कौन सी परिस्थिति के अंदर हम कैन यूज़ कर सकते हैं विद एग्जांपल्स वी विल डिस्कस. सबसे पहले कैन जो यूज़ होता है वो अबिलिटी के लिए यूज़ होता है. अबिलिटी क्या होती है? क्षमता होती है. क्षमता या योग्यता बताने के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही कैन स्विम अक्रॉस एनी रिवर. मिस्टर जेम्स कैन टीच इंग्लिश ग्रामर टू एनी क्लास. द पोएट कैन कंपोज पोएम्स. तो ये सब चीज़ें क्या है? ये उसकी योग्यता बता रही है. फिर है पावर. शक्ति प्रदर्शन के लिए ऑल्सो वी यूज़ कैन. फॉर एग्ज़ाम्पल दीपक सिंह कैन बीट मोस्ट अदर रेसल्स. तो दीपक सिंह की जो शक्ति है वो ये बता रहा है. फायर कैन बर्न एनी थिंग. आग सब कुछ जला सकती है तो ये आग की शक्ति बता रहा है. ही कैन क्लाइम द माउंटेन एज ही इज़ वेरी गुड माउंटेनियर. वो पहाड़ पे चढ़ सकता है क्योंकि वो बहुत अच्छा पर्वतारोहक है. तो इससे वो क्या बता रहे हैं? उन सब की शक्तियाँ बता रहे हैं, उनके क्या क्या एसेट्स हैं. हम कैन यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, आज्ञा मांगने या देने के लिए. कैन आई यूज़ योर पेन? येस यू कैन. नो यू कांट. तो परमिशन देने लेने दोनों के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं. कैन यू लेंड मी योर शर्ट? येस आई कैन. नो आई कांट. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कैन है वो हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ करते हैं. कैन जो है हम कैपेबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं. कैपेबिलिटी क्या होती है? योग्यता बताने के लिए. ठीक है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. दे कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर 6 आवर्स. तो क्या बता रहा है? उनका कैपेबिलिटी बता रही है. तो अबिलिटी, पावर, परमिशन, कैपेबिलिटी. ठीक है. फिर हम कैन यूज़ करते हैं किसी की कैपेसिटी बताने के लिए. द पिक्चर कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, है ना. द पिक्चर कैन हैव कि इस घड़े के अंदर बहुत पानी आ सकता है. उसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है. द हेडमास्टर कैन ग्रांट यू स्कॉलरशिप. ये हेडमास्टर की क्षमता है कि वो तुम्हें स्कॉलरशिप दे सकता है. आई कैन लेंड यू 100 रुपीज़. ये मेरी क्षमता है कि मैं तुम्हें 100 रुपये दे सकती हूँ. स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, सशक्त संभावना बताने के लिए कि मतलब ऐसा बहुत हमको बहुत ज़्यादा कहीं होप है कि ऐसा होगा ही होगा. द रामचरित्र मानस कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदू फैमिली. तो कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, ऑब्वियसली होगी. तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताने के लिए जो होती है, ही कैन बी हाईली क्वालिफाइड मैन. है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा. ठीक है. देन वी कम टू द वर्ड कुड. ठीक है. कुड जो है पास्ट टेंस. कैन का जो है पास्ट टेंस के अंदर, जहाँ जब हमने कैन यूज़ किया वहाँ पे पास्ट टेंस के अंदर हम कुड यूज़ करते हैं. जैसे पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, पावर बताने के लिए, कैपेबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए. कब? पुराने टाइम, पास्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल जेरी कुड चॉप ट्रीज व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर्स ओल्ड. उसकी एबिलिटी बता रहा है, बचपन की एबिलिटी बता रहा है. रुस्तम कुड डिफीट एनी रेसलर. रुस्तम डिफीट किस कर सकता था. विवेकानंद कुड स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूसली फॉर मैनी आवर्स. इट कुड बी ट्रू. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. रमेश वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक. यू उसकी कैपेसिटी बता रहे हैं. हम कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, विनम्र निवेदन के लिए भी हम यूज़ करते हैं. कुड यू लेंड मी 100 रुपीज़. कुड यू टेल मी द वे टू द सेक्रेटरिएट. कुड गिव मी योर बुक. कुड का यूज़ पास्ट टेंस के अंदर तो होता ही होता है. आई कुड हैव लर्न दिस पोएम ईजिली. ही कुड हैव स्वम इन द रिवर. सो हियर इट हैज़ बीन यूज विद पास्ट टेंस. देन इज यूज़ ऑफ शैल एंड विल. हमको पता है कि आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल और बाकी के साथ हम लगाते हैं विल. ठीक है. नॉर्मली वी शैल गो टू सी आर पेरेंट्स. बिकॉज यहाँ पर क्या आ गया है? आई शैल टेक मेडिसन रेगुलरली. रमेश विल गो टू उदयपुर टुमारो. द ब्रदर विल टेक एक्सरसाइज रेगुलरली फ्रॉम टुमारो. तो ये क्या हो रहा है? ये फ्यूचर बता रहा है. आई वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, बाकी साथ हम विल यूज़ करते हैं. अब कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर, जैसे इच्छा, आज्ञा, प्रतिज्ञा, वादा, धमकी, किसी चीज़ प्रोहिबिशन और दृढ़ निश्चय का संकल्प बताने के लिए भी हम आई वी के साथ विल का और बाकी के साथ शैल. हम यहाँ पे क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं. जब ये सब चीज़ें होती हैं कि आई विल नॉट गिव अप स्मोकिंग एट एनी, आई, ये क्या हो गया? संकल्प हो गया.
ठीक है, आई विल हेल्प द पुअर एंड द नीडी, ये क्या हो गई? इच्छा हो गई। दुर्योधन सेड आई विल नॉट गिव एनी इंच ऑफ लैंड टू पांडवाज, ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा हो गया, संकल्प हो गया। इफ़ यू डोंट रिटर्न माई मनी आई विल बीट यू, ये थ्रेट हो गया, धमकी हो गई। यू शुड नॉट एंटर द क्लास, ये क्या हो गया? उसको प्रोहिबिशन हो गया, मना हो गया। तो यहाँ पर भी ना स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर हम उल्टा कर देते हैं, हम आई और वी के साथ विल यूज़ कर देते हैं और बाकी साथ के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर टेंस बताने के लिए विल के साथ, वी के साथ हम शैल और अन्य के साथ हम विल के अंदर, शैल वी गो देयर, शैल आई राइट एन एसे, विल यू गो टू द गार्डन, विल यू फ्लाई काइट्स। ठीक है, और जब आपको ज़्यादा कन्फ्यूशन हो रहा हो कि मुझे विल यूज़ करना है या शैल यूज़ करना है, तो आप विल यूज़ करना है, डोंट यूज शैल। आप ज़्यादा केसेस के अंदर विल यूज़ करना अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं शुड की। शुड क्या है? शैल का पास्ट टेंस है शुड। ठीक है, शुड हम कब यूज़ करते हैं? ड्यूटी, कर्तव्य के लिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जब हमारा कोई नैतिक उत्तरदायित्व होता है, तो है ना, किसी व्यक्ति के लिए, तो हम यूज़ करते हैं शुड। वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी, तो ये क्या है? ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है गरीब लोगों के प्रति कि हमें उन्हें मदद करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड प्रे टू गॉड डेली, सलाह देने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर डिविजन, यू शुड कॉल फॉर हेल्प वेन यू आर इन ट्रबल, यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली। सो यू शुड वर्क हार्ड, तो ये क्या हो रही है? हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सलाह देने के लिए भी हम शुड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम शुड जो है वो सुझाव देने के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन एनएससी, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, ये भी हम सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें जो अपना होमवर्क है उसको रेगुलरली कम्प्लीट करना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यदि वाक्य में पास्ट टेंस से शुरू होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। जैसे आई टोल्ड माई ब्रदर दैट वी शुड वर्क हार्डर इन फ्यूचर, पास्ट टेंस में कर्तव्य बताने के लिए शुड हैव का है ना, पहले के टाइम। वी शुड हैव गॉन देयर बिफोर, कि काश हमने ऐसा किया होता, तब भी हम शुड हैव यूज़ करते हैं। वी शुड हैव हेल्प द सिक एंड द पुअर, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, जहाँ पर भी लेस्ट है वहाँ पर क्या आएगा? हमेशा शुड आएगा। जैसे रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। अब हम बात करते हैं वुड की। ठीक है, वुड हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में बार बार होने वाली अगर घटनाएं, कोई चीज़ जो है बार बार रेगुलरली रिपीट होती है पास्ट के अंदर, हम उसके लिए वुड यूज़ करते हैं। वी वुड रीड द रामचरितमानस एवरी इवनिंग लास्ट मंथ, है ना, पास्ट के अंदर जो रेगुलरली वो एक्शन हो रहा था, हमने वुड यूज़ किया। दीन मोहन वुड गो टू मॉस्क एवरी फ्राइडे व्हेन ही वाज हियर, है ना, वो रेगुलर कोई एक्शन कर रहा था। वी वुड फ्लाई काइट्स ऑल डे लॉन्ग व्हेन वी वर यंग, हम पूरा दिन उड़ाया करते थे। तो ये क्या हो गया? जब पास्ट एक्शन के अंदर कोई काम रेगुलरली किया जाता है तो हम वुड यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट में कोई काम जब रेगुलरली किया जाता है तब हम वुड यूज़ करते हैं। मोर पोलाइट, जब हमको बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस से बात करनी है तब हम वुड यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, वुड यू प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, वुड यू ओपन माइंडिंग द विंडो, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा हम अधिक विनम्रता जब हम शो करते हैं हम वुड यूज़ करते हैं। प्रेफरेंस देने के लिए, है ना, हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तब भी हम वुड यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी, तो उसने क्या करा? दो चीज़ों को कंपेयर करा है। जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेग, है ना, मैं भीख मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी हम क्या यूज़ करेंगे? हम वुड यूज़ करेंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी हम जो है वुड यूज़ करते हैं। इफ़ आई वाज रिच आई वुड बाय एन एरोप्लेन, इफ़ आई वर्ड रिच आई वुड हेल्प द पुअर, वुड दैट इफ़, मतलब जहाँ पर भी आप कल्पना करते हो ना, काश मेरे पास ऐसा होता। ठीक है, जहाँ पर भी आप काश आ जाता है ना वर्ड ऐसा, कि काश ऐसा होता, वहाँ पर आपको हमेशा वुड यूज़ करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं मे की। तो मे जो है, जब हम आज्ञा मांगते या देते हैं, हमने कैन के अंदर भी सेम चीज़ पढ़ी थी, आज्ञा मांगना है देना, लेकिन तब भी मैंने आपको बताया था कि वो इनफॉर्मल आज्ञा है, इनफॉर्मल परमिशन है, और मे जो है वो फॉर्मल परमिशन है।
मे आई कम इन सर? येस यू मे. पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, ही मे कम हियर एनी टाइम. द ट्रेन मे बी लेट. देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. इट मे रेन टुडे. द पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐसा. ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वी यूज मे. मे यू लिव लॉन्ग. मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स. श्राप देने के लिए भी हम जो है मे यूज़ कर सकते हैं. दुर्वासा मुनि सेड मे दुष्यंत फॉरगेट यू. तो अगर हम किसी को श्राप देते हैं तो भी जो है हम क्या यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं. अगर हमें किसी को शुभकामनाएं देनी है, आशीर्वाद देना है, तो भी हम मे यूज़ करते हैं कि मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू पास दिस ईयर. एम है ना, कोई चीज़ का उद्देश्य बताने के लिए कि स्टूडेंट्स वर्क हार्ड सो दैट दे मे गेट गुड मार्क्स. किस चीज़ का एम बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए भी वी ऑल्सो यूज मे. स्टूडेंट्स वर्क हार्ड सो दैट दे मे गेट गुड मार्क्स. अब हम बात करते हैं यूज ऑफ माइट की. ठीक है, तो माइट जो है मे का पास्ट है. जैसे क्या इनका था कुड, वैसे मे का है माइट. माइट जो पास्ट टेंस में बताने के लिए था. आई एम अफ्रेड द न्यूज माइट बी ट्रू. ही आस्क्ड मी इफ ही माइट बोरो मनी फ्रॉम मी. इट माइट रेन टूडे है ना. और गेस्ट के लिए भी और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट यूज़ करते हैं. ही सेड ही माइट फेल. ही वर्कड हार्ड दैट शी माइट पास. तो जहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी है वहाँ पे हम माइट यूज़ करते हैं. गेस अनुमान लगाने के लिए. इट माइट बी योर फादर है ना, हो सकता है तुम्हारे फादर. हनुमान माइट विन फर्स्ट प्राइस. तो जहाँ पे हम गेसिंग करते हैं वहाँ पे भी हम माइट यूज़ करते हैं. फिर है जब हम झिझकते हैं कि कुछ करने के लिए, वहाँ पे भी हम माइट करते हैं कि माइट आई अकम. हमको पता नहीं है सामने वाला मना भी कर सकता है अगर हम झिझकते हैं तो. माइट आई अकम्पनी यू, माइट यू कम टू सी मी टुमारो. सामने वाला हो सकता है मना कर दे, तो वहाँ पर भी हम जो है माइट का यूज़ करेंगे. ये मे की अपेक्षा अधिक अनिश्चित, मतलब मे जो है वह कहीं थोड़ी बहुत सर्टेनिटी होती है. माइट का मतलब तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कुछ भी होने की. ठीक है, अगर आता है कि द टीचर मे कम, मतलब वो आ सकती हैं. 90% है कि वो आएंगी. द टीचर माइट कम, तो मतलब कि 10% है कि वो आएंगी, 90% है कि वो नहीं आएंगी. बहुत ही कम संभावना होती है जब हम माइट यूज़ करते हैं. अच्छा, डायरेक्ट नरेक्शन को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तब हम मे का जो पास्ट टेंस होता है वो माइट हो जाता है. जैसे द टीचर सेड दैट इट माइट रेन. द पामिस सेड दैट ही माइट फॉल इल. अब हम बात करते हैं यूज ऑफ मस्ट. ठीक है, मस्ट को हम कब यूज किया, कैसे लेते हैं. अनिवार्यता, कंपल्शन है तो है. इसका पास्ट और फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, मस्ट मस्ट होता है. बजाय इसका जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर हम हैज टू, हैव टू, और पास्ट टेंस के अंदर हैड टू या डिड नॉट हैव टू, और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, शेल हैव टू यूज़ कर सकते हैं हम है ना. मस्ट जब हमको एकदम कंपल्शन है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा. मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट है, जबकि इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, नीड नॉट. मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, कमांड, जोरदार आदेश. जब हमको एकदम पता है कि हमको कुछ करना ही करना है तब हम यूज़ करेंगे मस्ट को. ठीक है, जैसे कि एक तो मॉरल ड्यूटी बताने के लिए है ना. वी मस्ट डिफेंड आर कंट्री, वी मस्ट डू आर ड्यूटी. सर्टेनिटी बताने के लिए वी मस्ट हैव कॉट द ट्रेन फॉर डेली. द स्टूडेंट्स मस्ट हैव लर्नड हिज ऑर लेसन. नेसेसिटी बताने के लिए, अनिवार्यता बताने के लिए. ही मस्ट वर्क हार्ड इफ ही वॉन्ट्स टू गेट फर्स्ट डिविजन. यू मस्ट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एज हिज कंडीशन इज सीरियस. ही इज़ अ बिग ऑफिसर, ही मस्ट परचेज अ कार. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नेसेसिटी बता रहे हैं, अनिवार्यता बता रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव कमांड्स के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. विजिटर्स मस्ट नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स इन जू. यू मस्ट नॉट टॉक अननेसेसरली विद द पेशेंट. ही मस्ट अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज. तो यहाँ पे कमांड दी जा रही है ना, नेगेटिव नॉट यूज़ करते हुए. तो हम वहाँ पर भी हमेशा क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे. गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम बात करते हैं लाइकलीहुड के लिए. जैसे ही मस्ट बी अ रिच मैन. द ऑफिसर मस्ट हैव रिच फॉर ऑफिस. वहाँ पर अब हम बात करते हैं नीड की. नीड जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी के, ज़्यादातर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसको यूज़ करते हैं जब जो काम है वो करना ज़रूरी ना हो. जैसे यू नीड नॉट गो देयर. नीड यू? नीड आई टेक टॉनिक? नो यू नीड नॉट.
You need not make haste as the train is late by half an hour. Need I go to my village? You need not. जहाँ पे आपको है ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर या नकारात्मक सेंटेंस